अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कुछ डायरेक्ट इंटरव्यूज़ हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ डायरेक्टली आपने जाना है, इंटरव्यू देना है, उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं, आपको वीज़ा मिल रहा है या नहीं। ईमेल नहीं भेजनी, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ईमेल वाला मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसका रिस्पांस आता नहीं है। ईमेल आप भेजते हैं पर रिस्पांस नहीं आता। तो वॉक इन इंटरव्यूज़ ये होता है कि आप सीधा जाएंगे, वहाँ पे जाकर इंटरव्यू देंगे और उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिल रही है या नहीं। मेरा नाम है फरहान अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी की भी हैं, ड्राइवर्स की, कैश कस्टोडियंस और PSBD सिक्योरिटी वगैरह की भी हैं। उसके अलावा आपको बताऊँ, जो ट्रांसगार्ड कंपनी है उसमें भी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ट्रांसगार्ड में सिक्योरिटी गार्ड मेल की नहीं है पर फीमेल की सिक्योरिटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं। और उसके अलावा ड्राइवर्स और कोमीज और हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र और हाउसकीपिंग, इनकी ट्रांसगार्ड में वैकेंसियाँ चल रही हैं, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस वीडियो को देखकर आप ट्रांसगार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। वो वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं है, वॉक इन इंटरव्यूज़ दूसरे हैं, पर यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसके अलावा जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं वो है जी ड्राइवर के, सिक्योरिटी गार्ड्स के हैं मेल और फीमेल के। उसके अलावा जो सीरा कस्टोडियन होते हैं उनके हैं। उसके अलावा सीरा ड्राइवर्स के हैं, ड्राइवर की भी उनको उनके पास वैकेंसी है, सीरा ड्राइवर्स यानी पेट्रोलिंग ड्राइवर्स वगैरह। PSPD ड्राइवर की भी वैकेंसी है और PSPD कस्टोडियंस की भी वैकेंसी है, ठीक है। PSPD ड्राइवर जो है वो व्हीकल पेट्रोलर्स वगैरह जो होते हैं उनकी भी वैकेंसी है। हैवी टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और उसके अलावा जो मल्टी टेक्नीशियंस होते हैं और मल्टी इलेक्ट्रीशियंस वगैरह, इन सब की वैकेंसी है। वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, वीज़ा फ्री है, आपसे वीज़े के चार्ज वगैरह नहीं लिए जाएंगे। और ये सारी सिक्योरिटी वगैरह की भी वैकेंसी है PSBD में भी और सीरा में भी। जो इंटरव्यूज़ हैं वो चलेंगे जी सुबह 9 बजे स्टार्ट होंगे और 3 बजे जो है वो इंटरव्यू ख़त्म होंगे। तो अगर 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने पहुंचना है 6 बजे, 5:30 बजे, क्योंकि ऐसी जगहों पर रश ज़्यादा होता है। अगर आप मेरी माने तो आप जल्दी पहुंच जाएं। उसके अलावा जो 27 फरवरी को इंटरव्यूज़ हैं, ये जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं 27 से लेकर 3 मार्च तक, 27 को ये इंटरव्यूज़ चलेंगे और 3 मार्च को ये इंटरव्यूज़ जो है वो ख़त्म होंगे। यानी 27 से 3 मार्च के पास आपके पास बहुत टाइम है, इन दिनों में आप वहाँ पे जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो हो रहे हैं ग्रुप एल में, ये एक एजेंसी है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, पिछले दिनों किसी ने बोला था कि पाकिस्तानी नहीं रख रहे हैं, तो पाकिस्तानी भी रख रहे हैं वो लोग। मेरी उनसे बात हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि इंटरव्यू जो है वो ऑल नेशनैलिटीज़ के लिए है, कोई भी जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। आप जाएंगे और वॉक इन इंटरव्यू देंगे, वहाँ पर आपको CV जमा नहीं करानी, वॉक इन इंटरव्यू देना है। पर यह कि आपने जल्दी जाना है। लोकेशन जो है वो ये ग्रुप एल का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर आपने जाना है। ये मैं पिक्चर अटैच कर रहा हूँ, इसमें आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा और सैलरी वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, इन्होंने बोला है, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो अच्छी कंपनी के लिए ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। और ये जो पिक्चर मैं अटैच कर रहा हूँ, ये पिक्चर देख लें और यहाँ पे ये पिक्चर देखकर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तशरीफ ले जाएं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।